हेलो माँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे आभा, तुझे एक गुड न्यूज देनी है। मच नीडेड माँ, जल्दी बताओ। मायरा ने अक्षय को हाँ कर दिया शादी के लिए। रियली? हाँ माँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब आप बिना टाइम वेस्ट किए आगे की प्लानिंग शुरू कर दो। हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मायरा ना थोड़ी सी उदास लग रही थी। माँ, वो अपनी शादी की बात करने आई थी आपसे। ऑब्वियसली चिल्ला के नहीं बोलेगी ना कि मैं शादी करना चाहती हूँ, और आपको तो पता ही है वो थोड़ी सी शाय है। तो प्लीज उल्टा सीधा मत सोचो और फटाफट शर्मा आंटी से मिलो और बात करो। ओके? ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उनकी एंगेजमेंट पार्टी यहीं अपने कैफे में प्लान कर सकते हैं। जाते जाते कुछ यादगार करते हैं अपने कोहली कैंटीन में। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। अरे इससे बढ़िया बात क्या होगी? शहर के सबसे बड़े कैफे में मेरी बेटी की सगाई हो रही है। तेरे पापा होते वो भी तो यही चाहते ना। माँ बस सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन की सबसे बड़ी और ऑसम एंगेजमेंट पार्टी होगी जयपुर में। चल ठीक है, अब तो बहुत प्लानिंग करनी है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ माँ, ठीक। मेरा तो ना नसीब ही खराब है। और तू ये मोबाइल के साथ क्या लगा हुआ है? अरे क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? माँ हूँ तुम्हारी, कहने को तो भगवान ने मुझे दो दो बेटे दिए हैं, लेकिन 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 क्या? लेकिन मेरे दोनों बेटे ही ना मेरे बस में नहीं है। अरे एक ने तो अपना फैसला कर लिया था, कम से कम एक का फैसला तो मुझे करने देते। अरे मेरे भी कुछ अरमान है। एक ने जाके वो नकचड़ी पंजाबन पसंद कर ली। सोच रही थी तेरी शादी अपनी कम्युनिटी में करूंगी, लेकिन तू भी। मॉम, बताओ प्रॉब्लम क्या है? मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। कब से सोच रही थी मैं तेरी शादी के बारे में? और कितने सारे अच्छे रिश्ते आए थे, और दो को तो मैंने शॉर्टलिस्टेड भी कर दिया था। एक ने IIM अहमदाबाद से MBA किया हुआ है, और दूसरी दूसरी खुद का ऑनलाइन बिजनेस चलाती है, लाखों कमाती है, लाखों। और अपने कॉलेज के दिनों में मिस लखनऊ भी रह चुकी है वो। पर ये सब मैं तुझे क्यों बता रही हूँ? तुम दोनों भाइयों ने तो करना अपने मन का ही है। मैं तो बस नाम की माँ हूँ तुम्हारी। एक भाई ने जहाँ जाके अपनी नाक कटवाई, तुझे भी वही घर मिला था रिश्ता करने के लिए। देख निखिल ने जो किया सो किया, पर अक्षय मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी।